शुक्र करिए, मैं मोदी साहब को समझता था बड़ा क्रूड आदमी है। कांग्रेस से अलग होने के बाद गुलाम नबी आजाद अपनी पुरानी पार्टी के खिलाफ लगातार हमलावर हैं। इस बार तो उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि अब तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक भी विदेश से हो रही है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। मीडिया से बात करते हुए गुलाम नबी आजाद ने पीएम मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मैं मोदी जी को क्रूर आदमी समझता था, मुझे लगता था कि उन्होंने शादी नहीं की, बच्चे नहीं हैं, तो उन्हें किसी की परवाह नहीं होगी, लेकिन पीएम ने इंसानियत दिखाई है। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आपने मोदी साहब की एक स्पीच देखी, और अगर किसी को इतना अनपढ़ और जाहिल है कि उस स्पीच की कंटेंट्स पढ़े जो स्पीच मोदी साहब ने की, उसने मेरे लिए नहीं लोया कि गुलाम नबी जाएगा हाउस से तो मेरा खाना हजम नहीं होगा। उसने एक घटना के बारे में बात की। शुक्र करिए, मैं मोदी साहब को समझता था बड़ा क्रूड आदमी है, शादी नहीं की है, बच्चे नहीं है, बीवी है, तो इसको कोई परवाह नहीं होगा, लेकिन कम से कम इंसानियत तो उसने दिखाई। जब मैं चीफ मिनिस्टर था कश्मीर में, और गुजरात की टूरिस्ट बस पे गाड़ी के अंदर, नॉर्मली गाड़ी के बाहर लगता है ग्रेनेड, शीशा खुला था तो ग्रेनेड गाड़ी के अंदर बस्ट हुआ, तो लोग ऑन स्पॉट मर गए, किसी की टांग नहीं थी, किसी की यहाँ नहीं थी, जख्मी हो गए। ये उनसे बुरी बात, ये मेरे लिए नहीं, उस घटना का वो उसने बताया। मैंने कल दोबारा सुनी स्पीच, उसमें कहा कि जैसे इनके परिवार का कोई आदमी गुजर गया, तो वो उस घटना पर रो रहा था। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि अब तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक भी विदेश से हो रही है, अगर ऐसा था तो बैठक करके भी विदेश जा सकते थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास वक्त ही नहीं है, ऐसे में पार्टी कैसे खड़ी होगी। मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ, लेकिन मेरी दुआ से कांग्रेस नहीं ठीक होती, उसके लिए दवा चाहिए, और उसके लिए जो डॉक्टर है वो डॉक्टर वो कंपाउंडर है, उसके लिए सुपर स्पेशलिस्ट है।